आज के इस वीडियो में हम 6 जून के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस वीडियो की पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे दी है तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इस वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टी वी नरेंद्रन। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष टी वी नरेंद्रन बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख विवेक राम चौधरी बने हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल HAS अरोड़ा की जगह लेंगे। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। राफेल उड़ान की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बनी है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का नाम भावना कंठ है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम हरिता कौर देओल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में पाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। कोरोना वायरस महासंकट के बीच मनुष्य के बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने का पहला मामला चीन के पूर्वी प्रांत जिज्ञासु में सामने आया है। H10N3 बर्ड फ्लू वायरस का स्ट्रेन है। कोरोना वायरस की तरह ही H10N3 स्ट्रेन की शुरुआत भी चीन से ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व क्षेत्र से COVID-19 प्रबंधन को लेकर अच्छा काम करने वाली 3 ग्राम पंचायत को चुनकर पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें पहला पुरस्कार 50 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार 25 लाख रुपए और तीसरा 15 लाख रुपए होगा। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। 2021 में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा जो 14 से 16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की जाएगी। UNO इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसके बारे में जानकारी, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवी ली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश भारत 1942 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश 193 है। 193 देश दक्षिण सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर केरल रहा है।
तथा बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है। इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में टॉप 3 राज्य पहले पे केरल 75 अंक के साथ, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु 74 अंक के साथ, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड 72 अंक के साथ। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, इसके सीईओ अमिताभ कांत है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेविड डियोप। डेविड डियोप को उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेगेंगल की कहानी पर आधारित है। डेविड डियोप यह पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रेंच लेखक बन गए हैं। टॉप पुरस्कार एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत अभिनेता को सम्मानित किया गया है। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से विष्णु भूषण हरिश्चंद्र को सम्मानित किया गया है। इंडिया अचीवर्स अवार्ड 2021 से जसपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार निलंबे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 2030 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरिंग 2021 से 2030 रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन दोनों ने ही जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के नुकसान और प्रदूषण के 3 गुना खतरे का सामना कर रही है। इस बहाली में निवेश किया गया है कि प्रत्येक $1 आर्थिक लाभ में 30,000 तक का लाभ दे सकेंगे। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की लागत को छोड़कर वैश्विक स्थलीय बहाली की लागत 2030 तक प्रतिवर्ष $20 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विप्रो। विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपए को छुआ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और इंफोसिस के बाद 3 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है। विप्रो के बारे में जानकारी, भारत की आईटी कंपनी है। इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर में स्थित। इसके चेयरमैन राशिद प्रेम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरि कृष्ण द्विवेदी। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी बने हैं। हरि कृष्ण द्विवेदी अल्पन बंदोपाध्याय की जगह लेंगे। पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन, पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, पश्चिम बंगाल राज्य की गंगा की सहायक दामोदर नदी को बंगाल का स्वर्ग भी कहा जाता है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सुंदर राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध परक्का बांध, दुर्गापुर बांध इत्यादि। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहार दुर्गा पूजा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 जून। आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया गया है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य विश्व भर में पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों के बारे में जागरूकता फैलाना है। जून महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं फ्रेंड्स, जिनको मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। 19 जून को विश्व सिकिल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व जल सर्वेक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।